Students, welcome in this video class for class 8 mathematics chapter 3 understanding quadrilateral. आज हम बात करेंगे exercise 3.2. ठीक है, result आपके वही use होंगे. देखिए first sum में क्या है, आपको ये figure given है, हमें किसकी value find out करनी है, x की. समझ में आ गया है किसकी value find out करनी है, x की. आपको इसमें एक result पता होना चाहिए. अगर आपके पास एक triangle है, ठीक है, आपने ये पहले किया हुआ है रिजल्ट. अगर एक ट्रायंगल है, अगर किसी भी एक साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो मींस जो इसकी साइड का क्या है, एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होता है, उसके इंटीरियर जो एंगल है उनके सम के इक्वल. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. इससे अपोजिट इंटीरियर एंगल तो ये भी है, लेकिन क्या होना चाहिए, अपोजिट इस वाले एंगल के इंटीरियर एंगल से अपोजिट मीन्स ये दोनों एंगल. तो मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये 2 है, ये क्या है, ये 3. तो एंगल 1 किसके इक्वल होएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3. ये क्या होती है, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है. समझ में आ गया है. तो देखिए यहाँ पे आपके पास x है और ये दो एंगल दिए हुए हैं आपको, और हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप इसको दो तरीकों से निकाल सकते हो. आपको पता है ये 125 है, तो ये एंगल निकाल सकते हो, ये एक लाइन है. तो ये पता है, ये वाला एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो थर्ड एंगल आपके पास अपने आप आ जाएगा. तो जैसे ही ये एंगल आ जाएगा तो 180 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x. एक तो तरीका इसका ये है, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, मैंने इसको क्या कह दिया, इसको कह दिया एंगल 1, इसको कह दिया एंगल 2. अब हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 125 इज इक्वल टू 180. लीनियर पेयर. बिकॉज एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180. तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 180 माइनस 125. माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री. तो एंगल 1 कितना आ गया आपके पास, 55 डिग्री. अब देखिए एंगल 2, एंगल 2 क्या होएगा, एंगल 2 प्लस 125, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 180. तो एंगल 2 भी कितना आ गया, 125 ही माइनस करेंगे यानी 55. अब देखिए एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया. अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. तो क्या लिखोगे, इन ए ट्रायंगल. अगर आपको ये रिजल्ट नहीं याद आया था तो आप इसको थर्ड एंगल में निकाल सकते हो, फिर 180 में से माइनस कर देना. क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. अब देखिए एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक्स अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से है, 1 और 2, इनके सम के 1 और 2 के इक्वल. अब एंगल 1 कितने का है, 55 का, और एंगल 2 कितने का है, 55 का. ऐड करेंगे तो 110. तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई है, 110. तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या है आपके पास, ये गिवन है आपके पास, ये क्या है, बन रही है शेप 1 2 3 4 5, पेंटागन है आपके पास. अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू. क्या फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू. अब इसमें देखिए ये सिंबल कितने का होता है, 90 का. तो ये भी कितने का हो जाएगा आपके पास, 90 का. अब देखिए ये 90 का है ये भी, ठीक है. अब ये देखिए एक लाइन है आपके पास, ये 60 का है, तो ये कितने का हो जाएगा आपके पास, 180 में से माइनस कर देंगे 60, 120. तो अब ये 70 का है, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110. अब देखिए ये 90 110. अब ये वाला रह गया, ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे. जैसे ही हमारे पास ये वाला एंगल निकल गया तो आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ सकती है. तो कैसे करोगे, पेंटागन है, पेंटागन में इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला जनरल होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, मीन्स 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180. तो यानी कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 180, 5 40.
तो अब देखिए 540 है, इनको सम करके 540 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। जैसे ही आपका ये एंगल आ जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल एक्सिस। सम को आप खुद ही ट्राई करोगे, मैंने बता दिया है कैसे करना है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए सेकंड सम, सेकंड सम में क्या है, फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हमें मेजर करना है क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल किसका, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो। अब यहाँ पर मैंशन कर दिया आपको जिसकी साइड्स क्या है 9, यानी n कितना दे रखा है 9, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल जैसे हमारे पास ये थे ना, इसमें एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर वाले जो एक्सटीरियर एंगल है वो निकालने हैं हमें, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, अब बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल कैसे पता लगता है, मान लीजिए ये हमारे पास कैसे पता लगेगा, ये इंटीरियर है और ये क्या है एक्सटीरियर, तो हमारे पास साइड कितनी है 9, और हमें पता है इसके जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। अब जैसे ही अगर आपको किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल पता लग गए हैं, बीन का सम कितना है ये, और आपको साइड पता है 3 साइड से तो किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हर एक एंगल आ जाएगा। 4 साइड से तो किससे डिवाइड कर देंगे 4 से, अगर 5 साइड से तो 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही इंटीरियर एंगल आ गया तो 180 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो अब बात कर रहे हैं हम 9 साइड्स की, तो सम ऑफ इसके आपके दो मेथड है, एक लॉन्ग है और एक क्या है शॉर्ट। मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी, एक बार आप दोनों मेथड से करोगे इन सम को। तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, कितने पॉलीगन ऑफ साइड्स 9, तो कितना हो जाएगा n माइनस 2, यानी 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। 9 माइनस 2 यानी 7 मल्टीप्लाई 180, यानी कितना हो जाएगा 1260। सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ गया। अब देखिए हमें पता है भी अंदर जो भी आपके पास आया बन रही है पॉलीगन, उनके अंदर वाले एंगल का सम इतना है, और साइड्स कितनी है आपके पास 9, कितनी है 9। तो अगर हम जब 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हर एक एंगल आ जाएगा ना, तो कौन सा और अंदर वाला, ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना था हमारे पास 1260, साइड्स कितनी है 9, इसको 9 में डिवाइड करना है ना, तो 9 में डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेगुलर है ना, रेगुलर है तो मींस क्या है, ये सारे एंगल इक्वल है, इक्वल है तो हमने 9 से डिवाइड कर दिया तो इक्वल इक्वल हो जाएंगे ये, तो कितना हो जाएगा जैसे ही हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे 140 डिग्री। अब देखिए आपके पास इंटीरियर एंगल आ गया, जैसे ही इंटीरियर एंगल आ गया तो आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है, एक लाइन के ऊपर होते हैं ना 180 में से माइनस कर देते हैं, तो 180 माइनस 140 तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो आपको यही निकालना था ना, मेजर, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लिया, जितनी साइड्स दे रखी हैं वहाँ से निकाल लिया, अगर हम उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अगर ईच इंटीरियर एंगल को 180 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो अब देखिए शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट मेथड में क्या है आपके पास, आपको पता है कोई भी पॉलीगन है उनके जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है 360। आपने 3.1 के 7 सम में भी एक्सटीरियर एंगल का निकाले थे और उनका सम किया था x प्लस वाई प्लस जेड, आपके पास आंसर कितना आया था 360। मीन्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360। तो अब देखिए बाहर वाले जो एंगल है उनका सम कितना है 360, आपको पता है रेगुलर है तो हर एक एंगल इक्वल होएगा, अंदर वाले इक्वल है तो बाहर वाले भी क्या होंगे इक्वल, और साइड्स कितनी है आपके पास n कितना है 9, तो
ईच इसको कितना करना है, नौ पार्ट में डिवाइड करना है ना, 360 है, नाइन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मतलब डिवाइड बाय नाइन, तो क्या निकलेगा, ये किसका निकला है, एक्सटीरियर का है ना, तो ईच एक्सटीरियर एंगल तो 360, तो यहाँ पे आप लिखोगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिवाइड बाय साइड्स 9, कितना आ गया 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ से भी आपके पास 40 आया और यहाँ से भी क्या आया है 40, ये आपका लॉन्ग मेथड और ये क्या है शॉर्ट मेथड। तो आपका पास ये इसका जो बी पार्ट है 15 साइड्स, आप इसको दोनों ही मेथड से करोगे, आपकी फेयर नोटबुक पे दोनों ही मेथड से होना चाहिए, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। आपके पास ये वन मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन इज 360। समझ में आ गया है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।